हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको एक सर्जरी के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा हूं जो अक्सर हमें देखने को मिलती है फील्ड कंडीशन में। वो एक प्रकार की कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है और काफ जो बछड़े होते हैं न्यू बॉर्न, उसमें एनल जो ओपनिंग होती है वो क्लोज रहती हैं, जिसको हम एट्रेशिया एनाई बोलते हैं। यह क्लोज होती हैं, इसका कोई मेडिसिनल उपाय नहीं है, केवल सर्जरी करनी रहती है। जो काफ देख रहे हैं वो एट्रेशिया एनाई से ग्रसित हैं और इसका जो है केवल ट्रीटमेंट जो है वो केवल ऑपरेशन है, सर्जरी है और वेट्स द्वारा ये सर्जरी परफॉर्म की जाती हैं। तो उक्त सर्जरी में क्या बातें ध्यान रखना, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पहला तो जो सर्जिकल साइट्स हैं उसको हम एसेप्टिकली प्रिपेयर करते हैं सेविंग और एंटीसेप्टिक लोशन लगा के। दूसरा जो है सर्जरी कर रहे हैं तो पशुओं को किसी प्रकार का पेन नहीं हो, इसके लिए इपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इपिड्यूरल एनेस्थीसिया में 2% लिग्नोकेन यूज किया जाता है और उसके बाद जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है। सर्जरी परफॉर्म करने के बाद जैसे स्किन जो है इंसाइज करने के बाद में फेशिया आता है, उसको अलग करना। फेशिया अलग करने के पश्चात में जो एनल ओपनिंग होती है उसको कन्फर्मेशन करना जरूरी है कि जो एनल ओपनिंग इंसाइज करने जा रहे हैं वो जो है एनस का ही पार्ट है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप नीडल से एस्पायरेशन करके देख लें कि मैं जो ओपनिंग कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं। तो एस्पायरेशन में आपको जो रूमन किसेस है वो आपको एस्पायरेशन में मिलेंगे और एस्पायरेशन होने के पश्चात आप उसको कन्फर्म हो जाएगा कि ये एनल ओपनिंग है, उसको कट लगा दीजिए। और कट लगाने के बाद में जो उसके एजेस हैं उसको इंटरप्टेड सूचर्स है, जो स्किन है और मसल्स हैं उसके साथ में इंटरप्टेड सूचर से चारों तरफ उसको सूचर कर दें। उसके बाद फिशेस आसानी से बाहर आने लग जाएगा, बहुत ही आसान है। वो सर्जरी होने के पश्चात इसको करीब 5 दिन तक एंटीबायोटिक्स एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स दें ताकि पशु को किसी प्रकार का इन्फेक्शन और कोई समस्या नहीं हो। 5 दिन बाद सूचर काट दें और पशु बिल्कुल सुधर जाता है, इसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। इसमें अधिक जानकारी के लिए आप लिटरेचर का भी सहायता ले सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको जो है सर्जरी है वो एक्सपर्ट ही कर सकता है, कोई भी इसको वो नहीं करे। धन्यवाद। नहीं।